أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم मोहतरम नाजीन मसामीन डियर व्यूर्स एंड लिसनर्स अम्तुल्ला वर्कात वर प्रोग्राम कुर सुनिए और सुनाइए के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद सुहल रजा अमजदी आपकी खदमत में हासिर है नाजिन मसामीन हम गुजत कुछ रोज़ से शेख अब्दुल्किर जीलानी अलमारूफ गौ से आज़म रजी अल्लाह त नस्बत से आपकी हयात तय्यबा के हवाले से हम कुछ न कुछ अहम निकात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं बात यहाँ तक पहुँची थी कि आपका घराना भी आसमान विलायत का चमकता हुआ एक सितारा रोशन सितारा था आपकी पुपी साहिबा के बारे में हमने अर्ज़ किया आपके नाना आपके वालदेन के बारे में हमने अर्ज़ किया अब आइए नाजिन आपका जो बचपन और फिर जवानी है कुछ नाजिन आपकी खिदमत पेश करते हैं सैद्ला हौस आज़म रदी के त इल्म मारिफत के आफ्ताब महताब थे चुनाचे आपकी सबसे पहली दर्ज का खुद आपका घर था आपने वालद ही से कुरने पाक हिफ़्स किया इब्तदाई तालीम भी अपने वालद से हासिल की इसके बाद आप जीला के मदरसे में दाखिल हुए बात रोक कर एक बात अर्ज करूँगा ये कोविड नाइन्टीन के तनाज में भी आज ही आप देखें खबर मौसूल हुई है खबर हम सब ने देखी कि छब्बीस नवंबर से फिर स्कूल जो है वो स्कूल्स बंद होने की तरफ जा रहे हैं बताया जा रहा है कि कोविड नाइन्टीन अब दोबारा ये कोरोना वायरस फैलाओ की तरफ जा रहा है अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमारे बच्चों को सलामती अता फरमाए सलामत रखे नाजिन लेकिन मैं यहाँ पर एक बात अर्ज़ करूँगा कि अपने बच्चों को घर नहीं बिठाना यानी घर तो बिठाना ही है अपने बच्चों को फालतू तो ना छोड़ें वरना उनके दिमाग तालीम, तालीम से एजुकेशन से दूर हो जाएंगे अभी भी कुछ अरसा पहले जब स्कूल्स ओपन हुए थे तो कितने यानी मुश्किलों से वालदे ने इस ने मिलकर बच्चों को फिर तालीम की तरफ लगाया और अब फिर ज़ाहिर है कि कम अज कम एक महीना सवा महीना ये गे गैप आ रहा है तो इसमें नाजिन आप देखें कि बच्चों को सिर्फ ये मोहताज ना करें कि आपको इस्कूल ही जाकर पढ़ना है घर में रह कर भी अगर बच्चे स्कूल्स नहीं जा रहे मजबूरी की वजह से तो उनको तलीमत से दूर ना करें रोज़ कुछ ना कुछ आप उनको ख़ुद पढ़ाएं आप देखें हसि आजम ने इब्तदाई तालीम क़ुरान करीम जो हिफ़्स किया वो अपने घर में किया यानी वालदे ने उन्हें करवाया आपके वालिद भी पढ़े लिखे वालदा भी पढ़े लिखी तो हमारे यहाँ भी माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं आ, लेकिन ख़ुद दीनी तलीमत से भी दूर होते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते पता नहीं क्या है तो फिर ट्यूशन लगवा देते हैं उसमें भी जाहिर है कि अलहदा एक्सपेंसेस होते हैं सारी चीज़ें हैं तो ज़रा सा नाजीन इन हालात में अपने बच्चों को ख़ुद भी नाजिन तालीम से आशना हो खुद भी थोड़ा तालीम से एजुकेशन से जो है करीब हों और अपने बच्चों को रोज़ाना कुछ ना कुछ आप ख़ुद भी पढ़ाएँ अब खुद नहीं पढ़ा सकते खुदा नास्ता तो ऑनलाइन नाजन चाहे वो स्कूल हो चाहे मदरसे का मामला हो तो ऑनलाइन छोड़े नहीं उनके जहन में ये रखें कि आपको पढ़ना है चाहे स्कूल जाकर पढ़ना है या चाहे घरों में रहकर ऑनलाइन पढ़ना है लेकिन पढ़ना है ताकि बच्चे हमारे तालीम से दूर ना हो जाएं और सबसे बेहतर बात यह होती है नाजीन कि क्या ही अच्छा हो कि हमारी जो माएँ हैं जिन्हें हमारी जिन बहनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माओ का दर्जा फरमाया है जिन्हें बाप का दर्जा मिला है ख़ास तौर तो पर माएँ घरों में रहती हैं ना तो ख़ुद भी शाम में या किसी वक्त भी कुरान करीम लेकर बैठें अपने बच्चों को लेकर बिठाएँ कि बच्चों इतना आपको पढ़ना है उन्हें पढ़ना नहीं आता उन्हें आप सिखाएँ आप देखें घर में कितनी बरकतें कितनी बरकतें नासिल होती हैं कितनी रहमतों का नज़ूल होता है तो थोड़ा सा इस बात पर हमारे अमल करें तो इन बहुत फर् होगा इसके बाद आप जीला के मदरसे में दाखिल हुए बाद में बगदाद रवाना होकर तहसीद की तकमील फरमाई आपने फरमाया मैंने अपनी जवानी के दिनों में सफ़र में था यहाँ तक कि मैं कहने वाले को सुनता था कि मुझे कहता था कि अब्दुल कादिर मैंने तुझे अपने लिए पसंद किया है और मुजाहिदों के दिनों में मुझे ऊँग आती तो सुना करता था कोई कहता था कि अब्दुल कादिर तुम सोने के लिए पैदा नहीं किए गए और बेशक हम तुम्हारे उस वक्त भी दोस्त थे जब जबकि तुम कुछ शे न थे आ, फिर फरमाया कि हल अतासान दहिय अम मूरा इस शायद के आखिर में भी ये था ना कि इंसान को बताया गया कि तू कोई जिक्र करता शे नहीं था तो कुछ भी नहीं था तुझे हमने पैदा फरमाया है फिर फरमाया कि अब तुम शेय हुए तो हमसे गाफिल ना होना अब तुम तो इंसान हो गए हो ना इस दुनिया में आ गए हो तो हमसे गाफिल ना होना नाजिन वसाइन आप फरमाते हैं कि बचपन ही से मुझे इल्म था कि रहालमीन ने मुझे अपनी विलायत आफ फरमाई है कि जब मैं कोई बचपन में खेलने का इरादा करता तो ग़ैब से आवाज़ आती इले या मुबारक यानी ए बरकत वाले मेरी तरफा कहाँ जाता है फरमाया कि जब मैं मदरसे जाता पढ़ने के लिए तो फिर एक गैबी आवाज़ आती कि अल्लाह के वली के लिए जगह को खाली कर दो तो फरमाए मुझे उस वक्त से इदराक था कि अल्लाब्लमी ने मुझे अपनी विलायत अथा फरमाई है नाजिम फिर इन जो आपके मुजाहिदात हैं रियाजतें हैं इसमें चीदा चीदा कुछ निकात कुछ वाक़ात जो आपके लिए इन नाजिम तरगीब फिर का सबब भी बने कोई इब्रत का वाक़ हो तो वह भी इन शेयर करेंगे अल्लाह तबारका वताल हमें हज़ू गौ से पा कर दिए के नक्श कदम पर चलने की तोफ़िक नसीब फरमाए चलते हैं आज के सबक की जानब हमारा जो नाजिन मसाम आज का सबक है वह सूरहूद आयत नंबर तीन आयत नंबर थ्री है आज के सबक में शामिल है फॉर्मेट के मुताबिक पढ़ेंगे बावजूद हो जाए स्क्रीन के सामने मौजूद हैं कल में पाक को साथ रखें आज का सबक निकालें अपने पास नोट बुक जरूर रखें कोई भी इंपॉर्टेंट बात हो नोट ज़रूर फरमा लीजिए आपको लिए चलते हैं आज के इस प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट की जानेब लुहतुल्क्रन हमारे इस प्रोग्राम का पहला सेगमेंट है आइए नाजिन ताउु रसमियाँ पढ़ते हुए आज के सबको को शुरू करते हैं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير <تصحيح> اسے فضله پڑھیں گے اور وفقی فضله میں پڑھا جائے यहाँ पर आप देखें तो वक्फ़ मतलब की शॉर्ट फॉर्म है जिसका माना यह कि यहाँ रुकना बेहतर है यौमिन कबीर इन पढ़ेंगे वक्फ़ की सूरत में यौमिन कबीर पढ़ा जाएगा और आखिर में आप देखें देखेंत वक्फ है अंदर जो है वो तीन लिखा हुआ है तो आयत नंबर थ्री यहाँ पर मुकम्मल हो रही है नाजिन कितने कलमात हैं ज़रा देखिए वाव एक कलमा यु ती दूसरा और कुल्ला तीसरा दी चौथा फ़त दिन पाँचवा और फदलिन पांचवा फिर इसके बाद हु जमीर छठा फिर इसके बाद इन सातवा आठवा, आठवां नवा, इन्ना दसवां और अखाफो ग्यारहवा अला बारवा अदाबा तेरवाँ यौम चौदवा कबीर पंद्रव कुल यहाँ पंद्रह कलमा हैं हर कलमे को अलहदा फिर मिलाकर पढ़िए पढ़ते हैं नाजिन अब और मुलाजा फरमाए व यूती यहाँ पर हम आपको बताते जाएँ कि नाजिन पीछे जो आखिरी कलमा है वो है मुसम्मा और जाहिर है कि वहाँ पर कोई अलामत नहीं है तो वहाँ तो सबक हमारा तकमील पजीर था तो इसलिए हमने वहाँ पर वफ़ किया तो मुसमऊ व यू उ पढ़ेंगे में जो मीम पर तशदीर भी है दो ज़बर की तरवीन भी है तो उस दो जबर की तरवीन को यहाँ वाऊ के साथ मिलाकर वाव की आवाज़ को होने के साथ अदा करेंगे यहाँ मलून का जो कायदा है वो अप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पढ़ेंगे अज़लिम अजाल मौसम इसे आप समझ लीजिए नाजिन यहाँ वाओ एक कलमा युक्ति दूसरा और यहाँ हम पहले नाजिन बल्कि इसे हम अब यानी अलहदा हमने पढ़ा अब मिलाकर पढ़ेंगे वा युक्ति यहाँ पर युक्ति में हमजा साकिन है झटके के साथ पढ़ा जाएगा युक्ति व युक्ति कुल्ला वी फौतलिन कुल्ला वी फौतलिन फू वी फत फत लू यहाँ वक़्फ़ पढ़ेंगे तो फतलाह पढ़ेंगे व ए तवल व एवल्ल फन्ना है उसके बाद या तो मिला कर पढ़ेंगे फ इन्नी यहाँ पर नाजिन यहाँ पर यहाँ के ऊपर आप देखें कि मद कीत मदफसल मद जायज़ भी कहते हैं इसे मिनिमम तीन अलिफ की मकदार और मैगजम पाँच अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ा जा सकता है फ़ इन असल में अला के साथ इस्तेमाल हुआ अलही पढ़ा गया यूमिन यौमिन नहीं यमिन कैबीन अजैब यूमिन कबीरन यहाँ वक्फ़ करेंगे तो कबीर पढ़ा जाएगा नाजिन कबीर में रॉ के ऊपर दो रॉ के नीचे दो ज़र की तरवीन है तो इसे बारीक करके पढ़ा जाएगा और जब हम साकिन करेंगे तो माकबल को देखते हैं तो माकबल भी साकिन है या फिर उसका माकबल देखा जाएगा तो नाजिन उसका माकबल बा है बाकी नीचे ज़ैर है तो वक्फ़ की सूरत में भी इसे बारिक करके पढ़ा जाएगा कबीर आइए नाजिन चलते हैं कलीमात की लुत और ग्रामर केबार से तहकीक़ और तर्जमे की जानेब सबसे पहले आज का सबक हम लिखेंगे फिर उसमें जो क़लिमात हैं उनमें नाजिन असमां अफ़ाल हरूफ कौन कौन से हैं तो उनकी निशानदही भी हम करेंगे तहकीको तर्जम भी अस करेंगे कुरान और उर्दू के हवाले से कि वो क़लिमात जो आम तौर तो पर आप कुरान में पढ़ते हैं उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं उनकी भी निशानदही होगी लेकिन इससे पहले हमें जाना है ब्रेक की जानब आप कहीं जाएगा मत मुलाकात होगी मुख्तर से ब्रेक के बाद नाज़ीन व मसाम चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानब और यहाँ पर नाज़ीन अब हम सबक हम लिख चुके हैं आ, मैंने कहा ब्रेक में वक्त ज़्यादा हो तो हम लिख चुके हैं और अब हम आपकी खिदमत में इन जो जस्माँ है वो लिखेंगे कि यहाँ पर आसमा कितने हैं कौन कौन से हैं पहला है कुल्ला दूसरा है वी तीसरा फत और चौथा हु ज़मीर चौथा हु ज़मीन है फिर इसके बाद फ़िन में या है यहाँ पर भी नंबर चार लगा देते हैं कुम यहाँ पर भी नंबर चार लगा देते हैं पाँचवा अजाबा छठा यौमिन और सातवा कबीरन तो चलिए नाज़ीन, यहाँ पर हम जल्दी से लिख देते हैं नंबर एक कुल्ला और नंबर दो वी नंबर तीन फौद नंबर चार हु ज़मीर जब हम हु कहें तो इसमें नाजिन पेश उल्टा पेश दोनों मुराद हो सकते हैं अच्छा जी फिर या है और फिर एक ज़मीर है कुम तो तीनों ने यहाँ लिख दी फिर इसके बाद नंबर पाँच अज़ाबा नंबर छ यिन और नंबर सात कबीरिन नाजिन मसाम सात असमां हैं और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अफाल कितने हैं कौन कौन से हैं युति पहला फेल है दूसरा फेल तवल्ल तीसरा अखाफू तीन यहां पर अफाल है यू उत्तीवल्ल और अखाफू चले जी तीन अफाल हो गए अब हम देखते हैं कि यहां पर हरूफ कितने हैं कौन कौन से हैं तो पहला वाओ और दूसरा नाजीन आप देखें इन है और तीसरा फा चौथा इन्ना पांचवा अला पांच यहाँ पर हरूफ हैं नंबर एक वाओ नंबर दो इन और नंबर तीन फ़ा नंबर चार इन्ना नंबर पांच अला तो देख लीजिए सात असमा तीन अफाल और, और तीन आ, पांच शुरू तो कुल मिलाकर नाजी यहाँ पर कलेमात कितने हुए पंद्रह तो जल्दी से आ जाइए नाजीन वक्त की कमी है थोड़ा सा जल्दी करना होगा हमें कुल कुल कहते हैं तमाम को कुल कहते हैं कुल को कुल कहते हैं सब को कुल हर एक को भी कहा जाता है तो नाजिन कुल बमाना कुल के भी उर्दू में इस्तेमाल होता है अच्छा हम ये जुम जो यानी इसम है एक कलमा के लिए के लिए हम इसे उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं मैंने कुल अफराद के लिए कहा था बाज़ अफराद के लिए कहा था कुल के लिए कहा था तो कुल कहते हैं सबको। तो ये आम तौर तो पर हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं अच्छा वी इसकी एक शक्ल आती है जू नाजिन वी और वू जर के आमिल पर डिपेंड करता है तो अगर हालत जर हो तो ज़ी होता है हालत रफ़ा हो तो वू होता है और हालत नसब हो तो ज़ा होता है ज़ा हो ज़ू हो या ज़ी इसका माना होता है वाला या वाले और इसकी जमा आती है उलू इसकी जमाती है उलू उलू का माना भी उलीबा यानी उलीबा का माना क्या होता है उर्बा भी आपने पढ़ा होगा उरबा भी पढ़ा होगा तो नाज़िन इसका माना क्या होगा करीबी रिश्तेदार यानीब वाले यानी क़र्ब वाले तो उलू इनकी जमाती है इसके बाद फ़तलिन फ़तलिन का माना होता है ज़्यादती लेकिन यहाँ पर वो ज़्यादती मुराद नहीं है जो उर्दू में इस्तेमाल करते हैं फ़लाने मुझ पर ज़्यादती की ये मुराद नहीं है यानी ज़्यादा अता करना ज्यादा देना इसे यानी बग़ैर हक के अता फरमाना ये फ़दल के कहलाता है हम अक्सर ये कहते हैं। से सुना है कि कभी अल्लाह ताला से अदल ना मांगना अल्लाह ताला अदल करने पर आएगा तो फिर हम बाकी नहीं बचेंगे उससे हमेशा फ़जल मांगना कि मौला तू फजल अता फ़रमा हम इस लायक नहीं हैं लेकिन तू हमें अता फरमा तो हमेशा फ़जल मांगना चाहिए उर्दू में फ़ल कहते हैं और उर्दू में फ़ल कहा जाता है यह आमतौर तो उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं इसके बाद है हु वाद मुजक्र गायब की ज़मील है वादि मुज

इसका मना होगा तुम सब आप सब तुम्हें अपने अजाब कहते हैं तकलीफ़ दह चीज़ को अजिबा इसकी जमा है अजाब एक तकलीफ़ दह चीज़ अदिबा बहुत सी तकलीफ़ दह चीज़ है और यहाँ पर अजाब से मुराद वो है कि जो अल्लाह रबालमिन ने अपने नाफरमानों के लिए तैयार कर रखा है और ये आम तौर पर हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कहते ना मौला हमें अजाब से महफूज़ फरमा और करना भी चाहिए दुआ भी मांगनी चाहिए इसके बाद नाजिन यौम योम कहते हैं दिन को इसी पर अलिफ लाम लगा दे अल अलम तो इसका माना होता होता है आज का दिन ठीक है ना और यानी इसका माना होता है आज का दिन तो इसी नाजिन यौम का माना होता है दिन तो यौम हम आमतौर तो पर उर्दू में भी इस्तेमाल करते हम कहते हैं ना यानी आज कौन सा दिन है कहते हैं ना आज कौन सा योम है आज योम पाकिस्तान है आज योम आज़ादी है कहते हैं तो ये योम इस्तेमाल किया जाता है अच्छा अरबी में हम ये बता दें आपको कि गुजिश्ता कल के लिए गुजिश्ता कल के लिए इस्तेमाल करते अम्सी अम्स अम्स यानी गुज्त कल अम्स परसों गुजशत यानी जिसे हम कहते हैं परसों यानी गुज्त कल के लिए अम्स और परसों गुज्त के लिए कबला अम्स अच्छा इसी तरीके से आने वाले कल के लिए हम कहते हैं गदन यानी कल और बाद गदन परसों यानी आने वा आने वाला जो परसों है उसे बादन कहते हैं कबीर कहते हैं बड़े को ये फाइल के वजन पर है इसमें फ़ाइल के माना में है इसका माना है बड़ा कबीर कबीर का माना होता है बड़ा चलते हैं नाजिन अफ़ाल की जानब और पहला फ़ेल है युक्ति, फेल मुजाररूफ सी का वाहिद मुजक्र ग़ायब और इसका माना है वो अता करेगा या वो अता करता है या वो अता करेगा या वो देता है या वो देगा अब यहाँ पर नाजिन चूँकि पिछले आप पोर्शन में जाएँ सहायद के तो उसमें नाजिन ख़ास तौर पर आप देखें कि फेल फेल अमर है व अनस्त फिर तो ज़ाहिर है कि फेल अमर के बाद जवाब अमर भी है ना तो जवाब अमर की वजह से यहाँ पर आखिर में जो हरफ इल्लत याद था यह समझ था युती अता

अगर वो फिर जाए तो देखें ये शर्त है अब जवाब शर्त ये क्या है अगर वो फिर जाए तो फनी अफ़ू मैं तुम्हें खौफ़ दिलाता हूँ अखवाक आज़ा आज़ा यूमिन कबीर अगर वो फिर जाए तो मैं तुम्हें खौफ़ दिलाता हूँ अल्लाह तला के बड़े अजाब का तो ये जवाब शर्त भी कहलाता है और जजा भी कहलाता है शर्त कहते हैं जो किसी किसी न किसी शे पर मोल हो तो जिस पर शर्त मोल होती है उसे जवाब शर्त भी कहते हैं जजा भी कहते हैं इसके बाद नाजिन अखाफो फिले मज़ार मारूफ सीगा वाद मतकलम इसका माना है नाजिन मैं खौफ खाता हूँ बल्कि नहीं मैं खौफ करता हूँ या मैं खौफ़ करूँगा और यहाँ पर इसका माना होगा मैं खौफ करता हूँ चलते हैं यानी वाव का माना और इनका माना अगर फा का माना पस ये तो इन से कोई माना भी कर सकते हैं इन न हरफ तहक़ी के लिए आता है हरफ तक़ीक है जुमला इसमें पर दाखिल होता है कलाम को महक्क करता है इसका माना बेशक या यक़ दोनों में से कोई माना भी कर सकते हैं अला इस्तेला बुलंदी के लिए आता है इसका माना होता है पर या ऊपर दोनों में से कोई माना भी कर सकते हैं पंद्रह कलीमत में कुल चार कलीमात ऐसे हैं जो अम उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं नंबर एक कुल नंबर दो फिल नंबर तीन आदाब, नंबर चार यौन आइए हरूफ को आपस में मिलाकर क़लिमा, कलीमा को आपस में मिलाकर जुमला कलामी आयत कैसे बना करते हैं मुलाजा फरमाए

كل ذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير اب ہم پڑھیں گے حضر کے ساتھ جیسے نماز تراویح میں اپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ الَّذِي فَضْلٌ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ

वाह क्या मे गो बाला तेरा ऊँचे क्या है मबाए गौ बाला तेरा तेरी शान सबसे जुदा गंजीनाए मारे वेलकम बैक नाजीन व सामीन चलते हैं आज के सबक की जानब और तिलावत के मुकम्मल होते ही हमारे इस प्रोग्राम का फर्स्ट सेगमेंट कम्प्लीट हुआ आपको लिए चलते हैं सेकेंड सेगमेंट की जानब तफीमान ये हमारे इस प्रोग्राम का सेकेंड सेगमेंट है सबसे पहले आपको लिए चलते हैं हर्फ बर्फ लफ्ज ब लफ्ज तर्जमे की जानब वाह और युती वो देगा कुल्ला हर एक हर वी वाले फ़तल फ़दल फदला फ़दल हो उसका वाह और इन अगर तवल तुम फिर जाओ फा

और हर ज़्यादा नेकी करने वाले को ज़्यादा अज़र अता फरमाएगा और अगर तुमने रूगरदानी की तो मैं तुम पर बहुत बड़े दिन के अदाब का ख़तरा महसूस करता हूँ नाजिन ये आसान फहम बामुहावरा मुहावरा तर्जुमा अब आइए चलते हैं तफसीर की जानेब आज मैंने अर्ज़ किया था वादा किया था कि सूर हूद का कुछ तारफ आपकी खिदमत न करूंगा क्योंकि सूरयनुस अलहमदिल्ला उसकी तफसीर भी अलहमदिल्ला मुकमल हो चुकी है नाजिन सूर हूद इस सूरत का नाम सूर हूद है क्योंकि इस सूरह में हूद असल्लाम और उनकी कौम कौम आत का जिक्र है और ये नाजिन आपको सुरहूत की आयत नंबर जो है वो यानी पचास से लेकर साठ तक ये जिक्र मिलता रहेगा इस सूरत में दीगर अम्बिया क्राम का भी जिक्र है लेकिन जैसा कि पहले भी हम अर्ज कर चुके हैं कि वजह तस्मिया जो है जाम माने नहीं होती यानी वजह तस्मे के लिए फ़कत इतना काफ़ी है कि इसम और मुसम्मा में यानी जो नाम है और जिसका नाम रखा गया है कोई मुनासबत हो इस सूरत में हुद्लाम का नाम पाँच मरतबा जिक्र किया गया है और किसी सूरत में इतनी बार ज़िक्र नहीं किया गया इस सूरत में ये तस्रीह है कि आद हूद की कौम है और किसी सूरत में भी ये तस्रीह मौजूद नहीं कुरान मजीद में है सुर हूद की नंबर साठ में अला बदल आदिन कौमी हूद सुनो हूद की कौम आद के लिए अल्लाह की राहमत से दूरी है हूद सलात वाम ने अपनी जो कौम है इस कौम को अल्लाह जवजल की इबादत की तरफ़ दावत दी और उनको बुतों की इबादत से मना किया जब उन्होंने कुफर और अपनी तकजीब पर असरार किया तो अल्लाह नब्लमी ने उन पर तेज़ आंधी तेज़ और सख्त आंधियों का अजाब भेजा जो उन पर आठ दिन और सात रातों तक मुसलसल जारी रहा

तेज़ आंधी से हलाक की गई थी अल्लाह ताला ने उनको उन पर मुतवा सात रातों और आठ दिनों तक अज़ाब मुसलत कर दिया था ए मुखातब तो उनको खजूर के गिरे हुए दरख्तों की जड़ों की तरह पड़ा हुआ देखता है तो क्या तू उनमें से किसी को बाकी देखता है नाजिन मसाइन ये तो उन पर जो अजाब था और उसको बयान किया गया कितने दिन था कितनी रातें था हमने बताया कि कुरान करीम में है कि सात रातें और आठ दिनों तक मुसलसल उन पर अजाब नाजिल किया गया इसकी तफसील नाजीन सुरह आराफ़ में हम बयान कर चुके हैं कि क्या उन्होंने किया था तफसील क्या थी किस तरीके से अजाब आया क्या क्या मामल थे ये सारा हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया था अब आइए नाजीन सूर्य हूद मक्की सूरत है और इसमें एक सौ तेईस आयात हैं और दस रकूआत पर मुश्तमिल है जमहूर के नज़दीक सूर्य हूद की तमाम आयात मक्की हैं इसमें कोई इसतित नहीं है। लेकिन इसकी तीन आयतों का किया आयतर आयत 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 एक सौ चौदह और आयतो इसके बारे में कि ये तीन जो हैं, आयत नंबर बारह एक सौ चौदह एक सौ सत्रह इस है ये मक्की नहीं है नाजिन मई लिखा है लेकिन यह बात याद रहे कि कोई आयत मक्की कहलाती है कुछ आयतें उसकी अगरचे मदनी हो, लेकिन नाज़िन उस सूरत के मक्की होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये बात हैं इस तरह कई सूरतें हैं कि जिनमें कुछ नाजिन मक्की हैं कुछ मदनी हैं। इस तरह कई सूरतें हैं अच्छा इसी तरीके से सूर हूद हिजरत से पहले कुछ पहले मक् मुक्रमों में नाजिल हुई मुफसिन ने लिखा कि सूर हूद सूर्यस के मुतसिल आ, 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 बाद नाजिल हुई यानी सूर हूद जो है सूर्यस के फ़ौर बाद नाजिल हुई ये वो ज़माना था कि जब मुशरक़ी ने मक् की मुसलमानों पर ज़्यादतियाँ उनका सितम हद से बढ़ गया था ये वही हालात थे कि नबी आसलातम की मक् मुकरमा से मदीना मुनवरा की हिजरत की तरफ जो था मामला उसका हिजरत का पेश खैमा था उन्हीं हालात में जो सराय यूनस है वह नाजिल हुई नाजिन सुरह हूत की सूर्यस के साथ क्या मुनासबत है फिर सूर्य हूत की जो मजामी है इस पर भी इन हम मुख्तर करेंगे लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है के साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का सेकेंड सेगमेंट कंप्लीट हुआ चलते हैं थर्ड और लास्ट सेगमेंट की जानब कुरान सब के लिए ये सेगमेंट आपका सेगमेंट है दुनिया भर से आप हमें कॉल्स कर सकते हैं स्क्रीन पर नंबर्स डिस्प्ले हैं आपका तालु पाकिस्तान पाकिस्तान से बाद दुनिया के किसी खत्ते किसी मुल्क से उठाइए अपने फ़ोन स्टाइल कीजिए नंबर्स को ज्वाइन कीजिए हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं लाइन पर इस वक्त हमारे साथ कौन है असल वालेकुम जी कहाँ से जी सबको तर्जुमा सुनाइए वल्ला। और हर ज्यादा निकी करने वाले को ज्यादा जर अदास की तो मैं तुम पर बहुत बड़े दिन के अलाब का खतरा महसूस करता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया असला कहाँ से

कौ अलैकुम असबा योम कबी तो सुनाइए आ नहीं जा सकती सर ठीक है बहुत-बहुत शुक्रिया थोड़ा सा ये यौमिन और तवल्लु इसको जरा दोस्त कर लीजिए यौमिन नहीं यौमिन तवल्लु ये حرف लीन है ना इसको इस तरीके से ادا किया जाता है बहुत-बहुत शुक्रिया सलाम अलैकुम अस्सलाम अलैकुम मेरी अब... मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है और अगर तुमने रूह गर्दाने की तो मैं तुम पर बहुत बड़े दिन के अजाब का खतरा महसूस करता हूँ बहुत जी जी फरमाए बताइए क्या है जी وے मोहम्मद کے پڑھنے کے क्या فوائد ہیں زرا बता بتا ठीक है किसी वक्त बता بتا دوں ठीक है ٹھیک ہے جزاک اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام جی کہاں سے جی میامہ علی سینگ جی سب کو تجھما سنائی ہے اعوذ باللہ من

ताकि नीचे फ़क्त जैर है नाजिन मसाम इसके साथ प्रोग्राम का वक्त अपने पहुँचा ये प्रोग्राम जैसे आप रोजाना अलावा हफ्ते और लाइव और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह सात बजे से रिपीटेड इका में दिहा करते हैं चार से पांच तक लाइव देखते हैं और नाजिन आप इसे यूट्यूब पर भी कुरान सुनिए और सुनाई के नाम से सर्च कीजिए और डे बाई डेट डेट बाई डेट जिस तारीख का आपको चाहिए आप सर्च कर सकते हैं इससे मुस्तफ़ हो सकते हैं और भी दावत दीजिए जिंदगी नहीं तो इनशा कल सेम टाइम आपकी ख़िदमत में फिर हाजिर होंगे उस वक्त के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे प्रोग्राम कुरान सुनिए और सुनाइए के मेज़बान मोहम्मद सुहैल रजाम जदी और एयर वाइक्यू टी वी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ के ला आलमीन आपका हम सब का हामी और नासिर रहे असलम व वा